आज हम शॉर्ट में बायोटेक्नोलॉजी का ही एक मेथड देखेंगे, क्योंकि हमने बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारा नहीं किया है, केवल मीडिया प्रिपरेशन ही हमने करी थी। तो एक छोटी सी और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं इनोकुलेशन टेक्निक, ये भी हमको करनी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनोकुलेशन क्या होता है? इनोकुलेशन ये होता है कि जब हमने यहाँ पर ट्यूब दिखा रखी है डायग्राम में, जब हमने फर्स्ट टाइम ट्यूब में कोई कल्चर ग्रो किया, तो यहाँ पर जो मीडिया हमने डाला है वो लिमिटेड है, जितना टेस्ट ट्यूब की स्पेस है उतना ही है। और जब हमने कल्चर स्टार्ट किया तो वो उसका जो अमाउंट है वो भी कम होता है। और ये जो यहाँ पर हमने मीडिया है, ये न्यूट्रिशन मीडिया है, तो जो भी हम यहाँ पर एक्सप्लांट डालते हैं कल्चर के लिए, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, और जब ग्रो करेगा तो जो न्यूट्रिशन है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब उसको और ग्रोथ चाहिए तो हमें उसे दूसरी फ्रेश ट्यूब में ट्रांसफ़र करना होता है। सपोज़ यहाँ पे काफ़ी सारा है, तो हम कई सारी ट्यूब्स में जो यहाँ पर ग्रोथ हुई है, अभी उसमें प्लांटलेट नहीं निकला है, केवल टिश्यू ही बनकर आया है, तो हम उस टिश्यू को फिर आगे की ट्यूब्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक ट्यूब में से दूसरे ट्यूब में जब हम टिश्यू को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये टेक्निक कहलाती है इनोकुलेशन। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हम ये सारा काम कर रहे हैं स्टराइल एसेप्टिक कंडीशन में, क्योंकि जरा सी भी अगर यहाँ पर हमारी चूक हो जाती है और कंटेमिनेशन आ जाता है तो हमारा सारा कल्चर ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, तो बहुत सारे एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे पोलन्स होते हैं, तो वो सब अट्रैक्ट हो जाते हैं उस न्यूट्रिशन की तरफ, और वो फिर उस पर ग्रो करने लगते हैं, और जो हम ग्रो करना चाहते हैं उसमें फिर ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाता है पूरी तरीके से। तो अब हम इनोकुलेशन की टेक्निक देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि एसेप्टिक कंडीशन में करना है, तो यहाँ पे हमने एक स्प्रिट लैम्प, अगर हम लैमिनर फ्लो में हैं तो वहाँ पर भी एक इस तरह का कैंडल होती है जिसको कि हम लिट कर सकते हैं, स्टोव टाइप जैसा आप केमिस्ट्री में करते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर दिया, फिर हम दोनों ट्यूब को हाथ में पकड़ते हैं, एक ट्यूब जिसमें हमको डालना है और दूसरी ट्यूब जिसमें से हमको निकालना है। तो दोनों ट्यूब को हमको अपने हाथ में लेना होगा, और ये भी स्टराइल ट्यूब्स ही हैं। दूसरे हाथ में हम लेते हैं, इसे कहते हैं टोंग कहते हैं, एक ऐसा लूप लाइक निडल होती है ये, जैसे यहाँ दिखा रखा है, नीचे तो पकड़ने का हैंडल है, ये एक पतली सी यहाँ पर हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और उस पर ये राउंड, तो ये लूप होता है, तो इसको हम हाथ में ले पकड़ते हैं, इसको इनोकुलेशन लूप भी कहते हैं। और इसको थोड़ा सा अल्कोहल में डिप करके फ्लेम पर इसको गर्म कर लेते हैं, जिससे ये भी पूरी तरह से स्टराइल हो जाती है। तो ये हम पकड़ते हैं फर्स्ट फिंगर, अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में। अब हमारे पास तीन जो उंगलियां हैं वो हमारे पास फ्री होती हैं, इन तीन उंगलियों से और हथेली की सहायता से हम इन दोनों के जो प्लग हैं फ्लेम के पास ला कर के निकालते हैं। तो इसमें एक डायग्राम और दिखा रखा है ना, ये दिखा रखा है पाम, कॉटन और लिटिल फिंगर जो है उसके बीच में हम कॉटन प्लग को अलग कर लेते हैं, और इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में हमारी ये इनोकुलेशन लूप यहाँ पर लगी हुई है। अब हमारे पास ये दोनों ओपन हो गई, तो जिसमें मटेरियल था हम इस लूप को उसमें डालेंगे, तो क्योंकि सॉफ्ट होता है, स्पॉन्ज जैसा होता है टिश्यू, तो इस लूप के अंदर वो भर जाता है क्योंकि बीच में से एक हॉलो है। फिर हम इस ट्यूब में लाकर उसको हल्का सा रगड़ देते हैं, और यहाँ पर हमारा मीडिया है, तो जो मटेरियल इस लूप में आया है दूसरी ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब ये काम हो जाता है तो हम लूप को फिर से साफ़ करके अलग रख देते हैं, और हमारे पास जो कॉटन प्लग है वो इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में फिर से लगा देते हैं, और फ्लेम हमारी कंटिन्यूसली लैमिनर फ्लो में जलती रहती है। और ये जब कंप्लीट हो जाता है तो हम प्लग करके इसको फिर से जो हमारा कल्चर रूम है वहाँ पर इन ट्यूब्स को रख देते हैं। तो अब हमें टेस्ट ट्यूब्स को करना हो, कितनी भी करना हो, उसको इसी तरीके से हम लैमिनर फ्लो में
फ्लेम को ऑन करके इनोक्यूलेट करते हैं। और ये क्योंकि हमको अपने हाथ से करना है, तो किस तरीके से हम टेस्ट ट्यूब्स को भी पकड़ें, हम लूप को भी पकड़ें और इसके कॉटन प्लग को भी निकालें, तो ये एक पर्टिकुलर टेक्निक है। तो इसलिए इसको पूरी तरीके से समझाया गया कि इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में ही हमें लूप को लेना है और फिर पीछे की उंगलियां और हथेली से हमको दोनों की कॉटन निकालनी है और फिर वैसे ही उसमें वापस रखनी है, लूप को अलग करना है। तो इस तरह से हम स्टराइल कंडीशंस को मेंटेन करते हुए इनोकुलेशन की टेक्निक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।